ऑटो एक्सपो 2023 में है दोस्तों अभी हम लोग, और मेरे साथ है आरके ऑटो ब्लॉक के ओनर राजेंद्र जी। तो हम लोग बात करेंगे टाटा की सेफ्टी और मेजरमेंट को, बाकी हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां देखी, तो सर क्या कहेंगे टाटा की सेफ्टी को? देखिए, ऑटो एक्सपो 2023 में ऑलमोस्ट सभी ब्रांड की पेविलियन हम लोग विजिट कर चुके हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर के टाटा मोटर जिस तरह से सोचती है किसी ब्रांड के द्वारा हमने नहीं देखा। और यहाँ पर टाटा हैरियर का जो मॉडल लगाया गया है देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके जो सेफ्टी हैं, इसके जो एयरबैग्स हैं, साइड एयरबैग हो चाहे फ्रंट का एयरबैग हो, चाहे सीट के बगल में जो एयरबैग होता है किस तरह से ओपन होते, किस तरह से ये वर्क करती है, सारा चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को समझ में आए कि कार में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हैरियर पर इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। आज से दोस्तों 4-5 साल पहले तक हमें सेफ्टी मेजरमेंट को लेकर गाड़ियों में होती तो थी, एयरबैग्स वगैरह होती थी, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ डैशबोर्ड में या फिर लिखा हुआ देखते थे एयरबैग्स, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे दिखते वो नहीं होता था। बट टाटा ने हम लोगों को वो चीज के बारे में बताया कि आखिर सेफ्टी क्या चीज। लोग जानते थे कि एयरबैग कार में होते हैं, लेकिन एक्चुअल अपनी आंखों के सामने एयरबैग को खुलते हुए कभी लोग देखे नहीं। और इसको यहाँ पर समझाने के लिए कंपनी ने इस तरह का जो डिस्प्ले है हैरियर में रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि नहीं। कहीं ना कहीं इससे दोस्तों हमारे इंडियंस लोगों के में जो जागरूकता है सेफ्टी को लेकर उसको बढ़ावा मिले। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही कहूँगा लास्ट में कि अगर आप टू व्हीलर ड्राइव करते हैं तो हेलमेट हमेशा पहने, और अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। ठीक है, सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर। थैंक यू सो मच।